नमस्ते साथियों, बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि विकल्प ई भी मौजूद हैं। तो देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे और मिंटो यहाँ के वायसराय थे भारत के। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? 1933 ईस्वी में बना था। डांडी अभियान, डांडी यात्रा जो चला था 12 मार्च 1930 से जो है साबरमती से प्रस्थान किया था महात्मा गांधी ने। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 ईस्वी में। बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है? तो भारतीय तेल निगम की जो है इकाई है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? सबसे पहले उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी किस देश में? अमेरिका में। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 50 लाख रुपया से कम है तो उपभोक्ता कहाँ पर शिकायत करेगा? 50 लाख रुपया से कम का जो है निवारण कहाँ पर? तो यह जिला आयोग में इसका निवारण होगा। अगले प्रश्नों को देखें, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें, दी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो किन्स के द्वारा लिखा गया है। राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश प्राप्तियां, ये माइनस हो जाएगा कुल व्यय में से। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी किस वर्ष हुआ था? तो 1934 ईस्वी का जो है विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या में पटना। कुद्रेनमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो कुद्रेनमुख की खान जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक में, तो ये जो है मंगलोर से आया निर्यात होता है। दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी पट्टी को क्या कहते हैं? दो सागर अथवा जलाशयों को जो है जोड़ने वाली सकरी पट्टी को कहते हैं जल डमरू मध्य। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खैतरी किस राज्य में स्थित है? तो खैतरी हो जाएगा राजस्थान राज्य में। विली विली का अभिप्राय क्या है? ये जो है चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो कि ऑस्ट्रेलिया के निकट आता है। भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितना है? तो भारत के साथ बांग्लादेश का सीमा रेखा जो है 4096 किलोमीटर है। तो विकल्प ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो राज्य का कोई अपना एक धर्म होता है, यही गलत है, क्योंकि राज्य का जो है अपना कोई धर्म है ही नहीं, राज्य स्तर पर कोई धर्म है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? स्विट्जरलैंड में तो हो जाएगा 1971 में। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन हो जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है। अगले प्रश्नों को देखें, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमाओ भंडार नायके श्रीलंका में, और इंदिरा गांधी दूसरे स्थान पर है विश्व भर में। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्नों को देखें, यह किसने कहा है कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है? सामाजिक प्राणी है अरस्तु ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन था सा कथन जो है बिल्कुल सत्य है? देखें, राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, सत्य है।
स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणा है। ये भी सही है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। किसने कहा है, नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। ये गैटेल के द्वारा कहा गया है। सूची एक सूची दो के साथ मैचिंग कराना है। सिद्धांत है और ये प्रेरणा जो है देश से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से, नीति निर्देशक आयरलैंड से, संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष WPI का आधार वर्ष है 2011-12। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है, कितनी भूमि जो है बाढ़ उन्मुख है, तो ये हो जाएगा 70% भूमि। अर्धविकसित का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अर्धविकसित माने निर्धन। महमूद गजनेबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी था, उत्सवी फरोखी था। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्लासी का मैदान जो कि 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच बंगाल में है मैदान। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, 1750 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक पुरुष सर्वाधिक महिला साक्षर है रोहतास। तो न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला है पूर्णिया और न्यूनतम महिला साक्षर जिला है सहरसा। तो पूर्णिया विकल्प में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं, महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है तो उसे हम महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं, महाद्वीप जल सीमा। कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता है। तो अधिक खाद दिए हुए बिना ही कृषि कार्य सैकड़ों वर्ष तक चलता है, काली और कछारी जलोढ़ मिट्टी में। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जगह दी गई थी, 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 ईस्वी में और 21 के एम रखा गया है मूल अधिकार के रूप में। भारत कैसा राज्य है, तो भारत जो है कल्याणकारी राज्य है। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है, तिरहुत गंडक नदी पर है, तो गंडक नदी से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है, ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो नदी में। अगले प्रश्नों को देखें। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा सवाना, उष्ण को सवाना। कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है, तो कुडुक झारखंड के लोगों की जो है बोलचाल की भाषा है और उसका अर्थ हो जाता है बन। तो झारखंड हो जाएगा आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, तो नीचे दिए गए कार्य को सार्थक क्रम में सजाना है। सबसे पहले मिट्टी को खोदकर नम करते हैं, जुताई, फिर बीज बोते हैं, फिर उसके बाद खर पतवार को हटाते हैं, उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालते हैं, तैयार करते हैं और फिर उखाड़ कर जो है उस पर सूखी पट्टी को हटाते हैं। तो आपका इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3, 4, 5, 2। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा EBS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है, EBS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। देखें तो हो जाएगा कि EBS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है, विज्ञान पर और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण रूप है। अगले प्रश्नों को देखें। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला बनने की क्रिया को कहते हैं जुताई। कॉलम एक से कॉलम दो का मैचिंग कराना है, मिलान कराना है। देखते हैं, गहरे रंग के सफ़ेद कपड़े का इस्तेमाल कब किया जाता है, तो ये हो जाएगा सर्दी में।
समुद्री समीर बहने का समय है दिन में, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है गर्मी में हल्का, और थल समीर चलने का समय है रात में, थल समीर। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? तो यह बसंत गौरी, जिसे बारबेट पक्षी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें। ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बिना किसी संपर्क के, तो यह हो जाएगा विकिरण। अगले प्रश्नों को देखें। तैलीय कागज होता है तो तेल लगा हुआ कागज जो है पारभासक हो जाएगा, पारभासक। निम्नलिखित में से सही संबंध को दर्शाना है, चयन करना है। दूरी बटे विस्थापन जो है एक से बड़ा या बराबर होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के दूर करने के लिए तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन निश्चित फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस चाहिए। ध्रुवक ग्लास, पोलराइड ग्लास, धूप के चश्मे, सन ग्लासेज में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता चकाचौंध कम कर देते हैं, इसी वजह से। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? तो ध्रुवन की घटना से सिद्ध होता है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अभिक्रिया है MgO प्लस CO बराबर है Mg प्लस CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण? तो ऑक्सीकरण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगले प्रश्नों को देखें। सह संयोजक यौगिक के गुण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा गुण होंगे? तो विद्युत के कुचालक सही है, और गलनांक और क्वथनांक निम्न, ये भी सही है। जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। लड़कियों के जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सी है? लकड़ियों के जलने से जो है जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2, लकड़ी के जलने से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 2, 8, 10, 2, 8, 10, 7, 17 जो है क्लोरीन का होता है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 26 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 के पर घोला जाता है। इस तापक्रम पर इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? 26.47% हो जाएगी। प्रदूषित पानी के जैविक उपचार बायो रिमेडिएशन के उद्देश्य होते हैं। तो जैविक उपचार के उद्देश्य होते हैं BOD, बायो ऑक्सीजन डिमांड को कम करना। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम क्या है? पहले DNA, RNA, फिर अमीनो अम्ल, उसके बाद प्रोटीन। DNA, RNA, अमीनो अम्ल, प्रोटीन। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होते हैं? तो मीथोग्लोबिन के कारण होते हैं। सूची एक बकरी का नस्ल है और प्रयोजन यानी उसका इस्तेमाल दिया गया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? देखें, जमुनापारी का प्रयोग दुधारू बकरी होते हैं, सिरोही मांस वाले, पश्मीना का बाल इस्तेमाल किया जाता है, और मालाबार का जो है खाल इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है, इसका अवशोषण निम्न माध्यम से करता है। तो जल की अधिकतम मात्रा जो है पौधे अवशोषण करते हैं किन माध्यमों के द्वारा? तो हो जाएगा जड़ बालों से करते हैं। शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य कौन करता है? वृद्धि विकास के लिए जो है प्रोटीन तत्व आवश्यक होता है, प्रोटीन। तो आंसर ई हो जाएगा, कोई नहीं। मेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्र पर स्थित हैं? 4 गुणसूत्र पर स्थित हैं, और इन्होंने 7 प्रकार के लक्षण देखा था मटर के पौधे में। निम्न किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है? निषेचन के लिए जल आवश्यक होता है ब्रायोफाइटा वाले पौधे के लिए।
यकृत श्रवण करता है, यकृत जो है किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले तंतुमय ऊतक, तो हड्डी से हड्डी के जोड़ को स्नायु लिगामेंट कहते हैं, हड्डी से मांसपेशी के जोड़ को कंडरा यानी कि टेंडम कहते हैं। अम्लों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अम्ल खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक जो है रश्मि शुक्ला को बनाया गया। G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहां पर आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत और किस देश के बीच सिलिनेक्स 2023 अभ्यास हुआ था? सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच। मेरिलेबोन क्रिकेट क्लब ने अप्रैल 2023 तक किन भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानक सदस्यता प्रदान की है? महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और मिताली राज, ये हो जाएगा सभी। 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए थे विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसका थीम रखा गया था हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल इसका थीम रखा गया था। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। IPL के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बन गए हैं। फ्रांस में बेस्टिल दिवस परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, फ्रांस में बेस्टिल दिवस के परेड में। अगले प्रश्नों को देखें। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया? तो ये उत्तर रेलवे ने किया है, मुख्यालय नई दिल्ली है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई और दक्षिण पूर्व कोलकाता, पूर्व रेलवे भी कोलकाता है, पूर्व तटीय भुवनेश्वर है और सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी है। अगले प्रश्नों को देखें। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है मनाया जाता है 5 जून को। 2023 में इसका थीम रखा गया था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।